आज हम करेंगे एक्सरसाइज सिक्स बी चैप्टर नंबर है हमारा सिक्स स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स क्लास एट मैथ्स रत्ना सागर तो क्वेश्चन नंबर वन में हमें बोला दी फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स हमें कुछ नंबर दिए गए हैं और हमें बता दिया गया है एडवांस में कि ये नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है हमें रीज़न बताना है देखिए पहला है हमारा वन एट फाइव सेवन देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा आपको कैलकुलेट करके नहीं देखना बस ध्यान रखना है कोई भी नंबर अगर एंड होता है टू के साथ ठीक है या फिर थ्री के साथ ठीक है चार नंबर मैं आपको बताऊंगा टू के साथ थ्री के साथ या फिर, फिर सेवन के साथ या फिर एट के साथ ये चार नंबर आप याद कर लीजिए क्या नंबर है आपके टू थ्री सेवन एट कोई भी नंबर अगर एंड होता है टू के साथ थ्री के साथ सेवन के साथ एड एट के साथ जैसे नंबर सेवन के साथ एड हो रहा है ठीक है तो वो नंबर पूरा का पूरा हमारा परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा या फिर अगर एंड में ज़ीरो हैं एक साथ जैसे मान लीजिए तीन जीरो हैं या एक ज़ीरो है या पाँच ज़ीरो हैं मतलब तीन जीरो एक जीरो पाँच जीरो मतलब एक तीन पाँच इस तरीके से मतलब अगर एंड में एक साथ कंजेकेटिव जिसको बोलते हैं कंजेकेटिव मतलब एक के बाद एक ऑड नंबर ऑफ जीरो हैं ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरो ठीक है तो वो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जैसे फॉर एग्जांपल वन तीन जीरो आ गए तो तीन जीरो है ना तीन मतलब जीरो कितने हैं तीन मतलब ऑड नंबर वाले जीरो हैं तो ये नहीं है अच्छा दो आ गए तो ये हो सकता है वो ऐसे ही है भी टेन का ठीक है तो इवन नहीं देखना ऑड देखना है ठीक है अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है ये आप याद रखना टू थ्री सेवन एट मैंने आपको बताया था चलिए यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ ताकि हम क्वेश्चन करते रहे चलिए दोबारा लिख देता हूँ टू थ्री सेवन एट और जीरो ऑड वाले ठीक है देखिए इसमें क्या है सेवन आप देखो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे सिंस द नंबर इज एंडिंग एंड हो रहा है विद ये लिखता हूं ना आगे नंबर इज एंडिंग विद सेवन हैं इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ठीक है जी इसको मैं ड्रप कर देता हूँ थोड़ा तो दिक्कत कर रहा ये कितना सिंपल है हमारा ये ठीक है अगला देखिए सेकंड पार्ट इसका सेकंड में क्या हमारा फाइव सिक्स कितने जीरो हैं तीन जीरो हैं एक दो तीन इसमें कैसे लिखेंगे हम सिंस दी नंबर ऐसे भी लिख सकते हो दूसरा तरीका भी बता देता हूं सिंस द नंबर एंड्स इन ऐसे भी लिख सकते हो सिंस द नंबर एंड्स इन सेवन ऐसे भी सिंस द नंबर एंड्स इन ऑड नंबर ऑफ कंजेकेटिव जीरोस कंजेकेटिव मतलब एक के बाद एक जीरोस कंजेकेटिव जीरो हैंस इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ठीक है जी ये हमारा सॉल्व हो गया चलिए अगला देखते हैं थर्ड पार्ट थर्ड में क्या हमारा एट थ्री नाइन टू एट थ्री नाइन टू टू आ गया टू रहा सेम सिंस नंबर एंड्स इन आपकी बुक में ये वाली लाइन दी होती है नंबर एंड ठीक है इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो मेरा क्वेश्चन बन गया कंप्लीट इसको कर देते हैं क्वेश्चन नंबर टू इसमें क्या बोला है इसने वॉट विल बी दूनिट डिजिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं हमें बताना है कि इसकी जो यूनिट डिजिट है अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट हमारी कितनी आएगी देखिए पहला है हमारा कैमरा पहला सेवन फाइव एट थ्री सेवन फाइव एट थ्री अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो जो यूनिट डिजिट है तो ये यूनिट होती है यूनिट टेंस है ना यूनिट ये हमारी यूनिट होती तो है ये वंस वाली यूनिट वाली इस यूनिट मतलब कि ये वाली नंबर अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं मतलब इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो सबसे आखिरी में मतलब जो वंस प्लेस पे आएगी यूनिट वाली वो कितना होगा देखिए इसके बारे में भी आपको दे रखा है कि अगर नंबर आखिरी में ये है तीन है तो ये आएगा वो है तो वो आएगा उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं जो नंबर दिया होगा तो उस करके देख लेको तो थ्री है ना साइड में करके देख लेना इस तरीके से थ्री इन टू थ्री नाइन तो नाइन हो गया तो आप लग तो आप लिखोगे कैसे आप लिख देना इसमें सिंपल से मैं बताता दूँ आपको कैसे लिखना है आप लिखना यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर सेवन फाइव एट थ्री इज नाइन बस सिंपल चलिए आगे बढ़िए अगला कितना हमारा थ्री नाइन सेवन एट थ्री नाइन सेवन एट ठीक है आप क्या लिखोगे दी यूनिट ये पूरा उतार दोगे डिजिट ऑफ अ नंबर इज कितनी आपकी एट है तो एट है ना एट ग्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे आखिर एट एट सा सिक्सटी फोर तो आखिर में कितना आ गया फोर फोर ठीक है जी थर्ड पे आ जाइए वन टू तो थ्री फोर वन टू तो थ्री फोर अगेन दी यूनिट इज फोर है तो फोर को फोर से मल्टीप्लाई करके देख लो फोर फोर से सिक्सटीन सिक्स जो एंड में आएगी सिक्स फोर्थ पे आ जाओ ठीक है जी थ्री नाइन फोर फाइव सिक्स थ्री नाइन फोर फाइव सिक्स दी ऐसे करोगे इज ये आपको पूरा पूरा लिखना है ठीक है मैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ एग्जाम में तो आपके दो तीन क्वेश्चंस आएंगे मतलब एक क्वेश्चन आएगा उसे दो तीन पार्ट्स होंगे लिख देना पूरा पूरा ठीक है इज सिक्स को सिक्स से कर लो थर्टी सिक्स होता है सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स तो सिक्स आ गया सिक्स ठीक है फिफ्थ देखिए इसका वन सेवन टू वन सेवन टू ये हो गया तो इसमें लिख दोगे दी एज कितनी हो गई टू है ना तो टू को टू से मल्टीप्लाई करोगे फोर एज फोर ये हो गया उसके बाद सिक्स पार्ट में यहाँ पे कर देता हूँ वो कितना है मेरा वन एट टू वन एट नाइन सॉरी वन एट नाइन तो इसमें क्या लिखोगे दी ऐसे करते करते इस नाइन को नाइन से कर लो एट्टी वन तो वन आ गया वन ठीक है जी ये आपका सॉल्व हो गया चलिए इसको आप कर देते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें फर्स्ट दिया हुआ है वन फोर 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 हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर हमें बताने है इसमें से इवन ये जो है ना क्या ये इवन नंबर का स्क्वायर है देखिए एक बात याद रखना इवन नंबर जैसे टू फोर सिक्स एट ये जो होते हैं ठीक है जीरो वाला भी हमारा इवन ही है जीरो टू फोर सिक्स एट ठीक है इवन नंबर जो हमारे होते हैं इनका जब आप स्क्वायर करोगे ना तो आपका इवन नंबर ही जैसे 0 0 0 आएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल जीरो को जीरो से करोगे ज़ीरो आएगा टू को टू से करोगे फोर आएगा फोर को फोर से करोगे सिक्सटीन आएगा सिक्सटी सिक्स को सिक्स से करोगे थर्टी सिक्स आएगा एट को एट से करोगे ठीक है तो आपको कितना सिक्सटी फोर आएगा ऐसे आप कुछ भी कर लेना बारह को बारह से कर लेना बीस को बीस से कर लेना एट्टी सिक्स को एट्टी सिक्स से कर लेना याद रखना इवन नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो तो इवन नंबर ही आता है समझ में आया तो क्या ये मेरा है वन फोर 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 तो ये जो है ना विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर तो ये हमें स्क्वायर्स दिए हुए हैं तो क्या ये इवन नंबर का स्क्वायर है हम बोलेंगे येस yes. इट इज अक्वेयर ऑफ इवन नंबर है ना इसका रीजन लेना चाहते ऐसा लिख सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहां पे सिंस दंबर एंड इन फोर सिंस अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर सेकंड पे आ जाइए सेकंड क्या है मेरा वन फाइव टू वन ये नंबर एंड में क्या है तो इसमें तो मैं क्या लिखूंगा सिंस द नंबर एंडस इन ऑड नंबर सिंस द नंबर एंड्स इन ऑड नंबर एंड इट इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इवन नंबर का स्क्वायर वही होगा तो इवन नंबर में एंड होगा ठीक है जी सिंपल है थर्ड पर आ जाइए थ्री एट फोर फोर थ्री एट फोर फोर अगेन सिंस द नंबर और जरूरी है कि एन में फोर ही आएगा जैसे दो बार फोर आगे से बता रहा हूँ टू भी आ सकता है सिक्स भी आ सकता है एट भी आ सकता है जीरो भी आ सकता है सीज द नंबर एंडस इन इवन नंबर इवन नंबर हैंस इट इज अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर सॉल्व हो गया हमारा देखो टेन मल्टीप्लाई टेन कितना है हंड्रेड तो अगर एंड में जीरो है मतलब इवन नंबर है तो ये इवन नंबर का ही क्या है स्क्वायर है सिक्सटी फोर इवन नंबर है तो ये किसका है एट और एट का और एट मेरा क्या है इवन नंबर तो याद रखना अगर कोई भी नंबर एंड होता है इवन नंबर में तो वो इवन नंबर का स्क्वायर होगा ठीक है अगर वो स्क्वायर है तो अगर वो स्क्वायर है तो चलिए रब करता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर भी सेम ऐसा ही है इसमें ऑड नंबर का दे दिया बिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर पहला मेरा क्या है फाइव सेवन सिक्स तो हम क्या लिखेंगे सिंस द नंबर एंड्स इन इवन नंबर क्योंकि ऑड नंबर वाला पूछ रहा है हैंस इट इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर देखिए और नंबर आपका क्या होते हैं वन थ्री फाइव सेवन नाइन इसके आगे भी जाएंगे थर्टीन तो थर्टीन में दोबारा से एन में थ्री आ जाएगा फिफ्टीन में एन में फाइव आ जाएगा सेवनटीन कुछ भी जाइए नाइन्टी नाइन कुछ भी जाइए ठीक है तो बस इन्हीं से चेक कर लीजिए वन तो थ्री फाइव सेवन नाइन तो वन 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 थ्री थ्री नाइन फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव एन में फाइव हो गया सेवन सेवन फोटी नाइन एन वाइन हो गया नाइन नाइन एट्टी वन एन में वन हो गया इसका मतलब एंड में अगर ऑड नंबर है तो वो ऑडी नंबर का स्क्वायर हो सकता है इवन का ही हो सकता ठीक है थीके? तो बस सिंपल हमने क्या लिख दिया सिंस द नंबर एंड इन इवन नंबर हैंस इट इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर सेकंड आ जाइए सेकंड क्या है मेरा 625 ये है देखो 25 25 का है 25 फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी होता हमारा 625 ठीक है तो 25 मेरा क्या है 25 मेरा ऑड नंबर है ना तो लिखेंगे सिंस द नंबर देखिए ये जो नंबर है एंड इन ऑड नंबर में ऐड हो रहा है इतना सिंपल है ऑट नंबर वाला पूछेंगे तो हम बोल देंगे सिंस द नंबर एंड सिट ऑट नंबर हैंस इट इज इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ ऑट नंबर इवन वाला पूछेंगे तो इवन के अकॉर्डिंग कर देंगे हैंस हैंस को क्या हो गया भाई मार्कर जवाब दे रहा है कोई बात नहीं नया मार्कर ला चुके हैं हैंस इट इज अ स्क्वायर दिस बार ई बार इस बार तो ये है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर हमें बस ये बताना है कि वो ऑड नंबर का स्क्वायर है या नहीं है? हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो स्क्वायर है या नहीं है हो सकता है कि वो स्क्वायर हो मगर ऑड नंबर का ना हो या फिर इवन नंबर का पूछा गया है तो हो सकता है वो स्क्वायर हो मगर इवन नंबर का ना हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया है वो बताना है थर्ड पे आइए थर्ड में क्या है सिक्स सेवन टू फोर सिंस दि नंबर इन फोर नहीं विद नंबर हैं इट इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ठीक है जी चलिए रब कर देते हैं इसको क्वेश्चन थर्टी एट का स्क्वायर ठीक है जी कि इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देखिए फर्स्ट ये दिया हुआ है सेकंड पे देखिए 86 85 थर्ड पे देखिए 101 100 अगर आप ध्यान दें तो एक नंबर आगे पीछे दिया हुआ है 38 39 इस टाइप से या फिर एटी सिक्स एटी आगे पीछे है ना 101 और 100 आगे पीछे ऐसा नहीं दिया 39 नाइन थर्टी नाइन ऐसा नहीं दिया थर्टी नाइन थर्टी एट थर्टी एट समथिंग लाइक दैट ठीक है तो आप समझ रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तो देखिए इसने बोला एवेल्यूएट करिए तो इसमें इसने कुछ कंडीशन तो देनी है कि इसको आपको सॉल्व करना है कि कोई फार्मूला लगा के तो सिंपल आप इवेल्यूट कर देंगे एक तरीका तो ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें कैसे थर्टी नाइन को मल्टीप्लाई कर लें आप थर्टी नाइन से ठीक है यहाँ पे कुछ आंसर आ जाएगा आपका मान लीजिए यहाँ पे कुछ आंसर आ गया माइनस थर्टी एट को थर्टी एट से मल्टीप्लाई कर लें इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पे कुछ आंसर आ जाएगा मान लीजिए आंसर आ गया तो दोनों को माइनस कर दीजिए यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा आपका एक तरीका तो उसका ये है वेरी सिंपल ठीक है अगर बच किसी बच्चे को ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में और उसको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँगा ये फार्मूला को याद नहीं आ रहा है ना तो सिंपल करे वो क्योंकि इसमें कोई कंडीशन तो दी नहीं है लेकिन अगर आप किसी को किसी किसी फार्मूले से करना चाहते हैं तो आपकी बुक में पेज नंबर नाइन्टी पे एट पर एग्जाम्पल नंबर टेन दिया हुआ है उसको देख लीजिए तो उसमें क्या है देखिए उसमें एक फार्मूला वो याद कर लीजिए वो फार्मूला ये है एन प्लस वन का स्क्वायर एन प्लस अरे क्या हो गया भाई एन प्लस वन का स्क्वायर ठीक है माइनस एन स्क्वायर किसके बराबर होगा टू एन प्लस वन के टू एन प्लस वन के ठीक है जी ये हमारा एक फॉर्मूला होता है ये फार्मूला आप याद कर ले जो याद नहीं कर सकते वो डायरेक्ट कर दे इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है देखिए n इसमें क्या होगा n हमारा फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होगा एक नंबर होगा ठीक है n को हम मानेंगे थर्टी एट यहाँ पे आप लिख देना जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया तो इसमें लिख देना आप देखो एन यहाँ पे जैसे एन हो गया मेरा थर्टी एट प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन कितना मेरा थर्टी एट का स्क्वायर ठीक है किसके बराबर हो रहा है टू एन क्या था मेरा थर्टी एट था थर्टी एट प्लस वन ठीक है जी तो थर्टी एट का टू से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा थर्टी एट को टू से सेवनटी सिक्स सिक्स प्लस वन कितना आंसर आ गया मेरा सेवनटी सेवन ठीक है जी देखो कितना ईजी हो गया अगर आपको फॉर्मूला ही आता है तो यहाँ पे आप लिख दोगे ब्रैकेट में ऐसे करके एन इक्वल्स टू थर्टी एट आपको एन क्या लेना है आपको एन हमेशा कम वाला लेना है ठीक है आपको एन क्या लेना है कम वाला थर्टी नाइन थर्टी एट लेना है ना, तो एन क्या लोगे थर्टी एट अगर थर्टी एट अगर थर्टी नाइन फोर्टी होता तो एन क्या लेते आप अगर थर्टी नाइन फोर्टी होता तो एन आप उसके अकॉर्डिंग लेते आप एन क्या लोगे आप एन हमेशा छोटा नंबर लोगे दोनों में से जो छोटा नंबर होगा उसका एन लोगे फॉर्मूला ये है देखिए थर्टी एट प्लस वन मतलब थर्टी नाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ थर्टी एट प्लस वन ठीक है माइनस की जगह माइनस थर्टी एट की जगह थर्टी एट किसके बराबर होता है टू एंड प्लस वन के बराबर होता है एक और क्वेश्चन करते हैं आपको प्रैक्टिस हो जाएगी चलो इसको बंद कर देते हैं परेशान कर दिया इस मार्कर ने नया मार्कर आ जाए आ जाओ जी नया मार्कर आ गया चलिए सेकेंड करते हैं ठीक है सेकेंड क्या है इसका एटी सिक्स और एटी फाइव एटी सिक्स स्क्वायर माइनस एट्टी फाइव का स्क्वायर ये है देखिए हम बोलेंगे एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कितना होता है हमारा टू एन प्लस वन होता है एन मेरा क्या है छोटा क्या है? पर 85 फाइव है तो फाइव लिखिए प्लस वन इसका स्क्वायर माइनस ये एन क्या है छोटा नंबर एट्टी फाइव इसका स्क्वायर मार दिया मैंने मस्कीटो चलिए मस्कीटो आपकी छुट्टी चलिए आगे बढ़िए टू एन मेरा क्या था छोटा नंबर एट्टी फाइव प्लस वन यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख दो क्या आप एन जो आपने लिया है क्या लिया था आपने एन एटी फाइव ये बताना पड़ेगा ठीक है अब देखिए अब बस आपको फिर इधर वाला सॉल्व करना है मतलब ये वाला सॉल्व नहीं करना देखो यहाँ पर भी मैंने ये वाला सॉल्व करा है बस आपको ये सॉल्व करना है इधर वाला लिखा रहने देना ऐसे ही देखिए एटी सिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एटी फाइव प्लस वन का स्क्वायर लिख दिया एटी फाइव को एटी फाइव लिख दिया तो कितना हो जाएगा एटी फाइव को मल्टीप्लाई करो टू फाइव टेन का जीरो वन कैरी टू एट सिक्सटीन और एक सेवेंटीन प्लस वन कितना आ गया आंसर वन सेवनटी वन ठीक है ये मेरा सॉल्व हो गया दो क्वेश्चन हो गए मेरे दो पार्ट हो गए मेरे इसके थर्ड पार्ट करते हैं इसका तो, फॉर्मूला क्या होता है एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स तो, टू टू एन प्लस वन एन मतलब छोटा दोनों में छोटा गया हंड्रेड सो हंड्रेड प्लस वन का स्क्वायर माइनस हंड्रेड का स्क्वायर देखो तो, फार्मूला भी याद करना ईजी है एन प्लस वन माइनस आएगा क्योंकि बीच में माइनस होता है यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे इधर की साइड प्लस आएगा बस इधर के साथ माइनस इधर के साइड प्लस ठीक है छोटा नंबर डाल देना एन की जगह पे तो मेरा कितना यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे हम लिख ही देंगे टू एन कितना है मेरा हंड्रेड प्लस वन यहाँ पर लिख देंगे हम एन इक्वल्स टू कितना मेरा एन हंड्रेड बस इधर वाला सॉल्व करना होता है टू हंड्रेड प्लस वन इक्वल्स टू टू ज़ीरो वन सॉल्व हो गया तो क्वेश्चन नंबर मेरा फिफ्थ भी हो गया कंप्लीट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कह रहा है ये विदाउट एडिंग फाइन दिस सम हमें नंबर दिया हुआ जैसे मान लीजिए वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन प्लस थर्टीन प्लस फिफ्टीन प्लस सेवेंटीन प्लस नाइन्टीन प्लस ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी फाइव करें विदाउट एडिंग इसको ऐड नहीं करना विदाउट एडिंग फाइंड डी सम तो कुछ बच्चे रफ में ऐड करके लिख देंगे आंसर कर दिया हमने ऐसे नहीं रीज़न बताना पड़ेगा कि हमने किया तो कैसे किया विदाउट एडिंग फाइंड डी सम देखो कैसे करेंगे सबसे पहले आप ध्यान दो नंबर के ऊपर वन थ्री फाइव सेवन नाइन ये सारे के सारे ऑर्ड नंबर हैं मतलब एक के बाद कंजेकेटिव ऑट नंबर हैं एक के बाद दूसरा ऑट नंबर उसके बाद दूसरा ऑट नंबर देखो वन के बाद थ्री आता है आउट नंबर थ्री, थ्री है थ्री के बाद फाइव आता है फाइव के सेवन आता है एक के बाद एक आने वाले ऑट नंबर है तो इसमें क्या होता है जब एक के बाद एक आने वाले ऑट नंबर होते हैं इस तरीके से तो हम क्या करते हैं काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन कितने नंबर हैं हमारे ये हमारे थर्टीन नंबर है ठीक है जी थर्टी नंबर है तो आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे हर बार आपको ये लिखनी है क्या लिखना है आपको सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑर्ड नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं नंबर्स इज एंड स्क्वायर देखो नेचुरल नंबर मतलब जो नेचुरली निकल कर आते हैं आप जैसे बोलो भाई काउंटिंग सुना अपने दोस्त से बोलो भाई काउंटिंग सुनाइए सुना। वो बंदा बोलेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कभी भी कोई बंदा जब काउंटिंग सुनाएगा ना जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा तो नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं नेचुरली निकल कर आता है बंदा से किसी से भी पूछो काउंटिंग सुनाओ टीचर बोलती है ना क्लास में काउंटिंग सुनाओ तो बच्चा बोलता है वन टू थ्री फोर फाइव वन से स्टार्ट करता है इवन जो बेबीज होते हैं वो भी वन से स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स मतलब जो नेचुरली निकल कर आए काउंटिंग नंबर्स ठीक है तो ये स्टेटमेंट आपको लिख देनी है अगर ये स्टेटमेंट भूल भी जाओगे तो कोई मसला नहीं है आंसर आपका ठीक आएगा लेकिन ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए ताकि आप एक्सप्लेन कर सकें सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर ठीक है जी ये आपने लिख दिया ठीक है जी तो आप क्या लिखोगे देखो आप क्या लिखोगे कितने नंबर तुम्हारे थर्टीन तो आप क्या लिखोगे सम ऑफ थर्टीन ऑड नेचुरल नंबर्स इज़ थर्टीन का स्क्वायर एन एन का स्क्वायर थर्टीन थर्टीन का स्क्वायर ये वाली स्टेटमेंट लिख ये वाली लिख दो या ये वाली लिख दो सिंपल ये लिख दो सम ऑफ थर्टीन और नेचुरल नंबर इज थर्टीन स्क्वायर ये वाली स्टेटमेंट मैंने आपको बताइए कि ये फार्मूला होता है बेसिकली हमारा अगर पंद्रह होंगी तो पंद्रह का स्क्वायर कर देंगे ठीक है अगर मान लीजिए ऐसे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं एक के बाद एक आने वाले अगर वो पंद्रह हैं तो उसको सबको प्लस करने की जरूरत नहीं है पंद्रह का स्क्वायर कर दो सत्रह हैं सत्रह का स्क्वायर कर दो बारह हैं बारह का स्क्वायर कर दो कि ग्यारह है ग्यारह का स्क्वायर कर दो जितनी होंगी उतने का स्क्वायर कर दो जरूरी नहीं है कि क्योंकि ऑड नंबर है तो हमेशा सबको काउंट करने के बाद यहाँ पे ऑड ही बनेगा यहाँ पे इवन भी बन सकता है सम ऑफ थर्टीन ऑड नेचुरल नंबर से इतना ठीक है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हैंस थर्टीन मल्टीप्लाई थर्टीन इक्वल्स टू वन सिक्स नाइन ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर में इसको रब नहीं कर रहा यहाँ भी देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए दोनों का कनेक्शन है एक्सप्रेस वन फोर फोर को हमें एक्सप्रेस करना है एज़ सम ऑफ ट्वेल्व एज ट्वेल्व ऑड नंबर ऑड नंबर समझिए हमें पहले ऐसे दिया हुआ था हमें ऐसा बनाते अब हमें यह दिया हुआ है हमें कहते हैं ये दिया हुआ है इसको ऐसे बनाओ कैसे बनाएंगे लिखिए देखिए कैसे लिखेंगे हम सिंपल लिखेंगे देखिए हम लिखेंगे वन फोर फोर जो है हमारा ठीक है जी वन फोर फोर वन फोर फोर है सम ऑफ ट्वेल्व ऑड नंबर्स मतलब ये बारह का स्क्वायर रहा होगा देखिए थर्टीन थे तो थर्टीन का स्क्वायर होगा बारह है तो बारह का स्क्वायर रहा होगा तो ये हो जाएगा वन फोर फोर टू कितना है हमारा ट्वेल्व का स्क्वायर इक्वल्स तो टू आप लिखोगे सम ऑफ फर्स्ट ट्वेल्व ऑड नंबर्स ये ठीक है जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट फर्स्ट मतलब कि पहले बारह ऐसे नहीं कि आपने बीच में से उठा के लिख दिया बारह नंबर पहले बारह फर्स्ट ट्वेल्व ऑड नंबर्स ठीक है जी ये लिख दिया तो इसके बाद इक्वल्स टू करके आप ऐसे लिख सकते हो इक्वल्स टू आप ऐसे लिख दोगे कैसे लिखोगे आप देखिए वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस प्लस थर्टीन प्लस फिफ्टीन प्लस सेवनटीन प्लस नाइनटीन कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टवेल्व ये आपने लिख दिया है इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या करना था आपको दिए हुए थे आपने आपसे बोला था सम निकालना है तो आप यहाँ से कर सकते हो ये वाली लाइन छोड़ दो यहाँ से कर सकते हो सम ऑफ थर्टीन ऑड नेचुरल नंबर्स इज थर्टीन का स्क्वायर तो थर्टीन थर्टीन वन सिक्सटी नाइन इसमें क्या था आपको ये दे रखा था और आपसे बोला था इसको बारह ऑड नेचुरल नंबर्स में दिखाओ इसको ऐसे बना के दिखाओ तो हमने पहले ये लिखा और ये लिखा बारह था तो बारह का कर स्क्वायर करा मतलब उल्टा चले हैं उल्टा चले हैं उल्टा यहाँ से चलें ऊपर ऐसे उल्टा यहाँ से चलें यहाँ से ऐसे, ऐसे ऐसे उल्टा चलें सम ऑफ फर्स्ट और नंबर बारह काउंट करके लिख दिया आपने एक के बाद एक आने वाले वन प्लस फाइव ऐसे मत कर देना वन के बाद वन और फाइव के बीच में थ्री आता है तो वन के बाद थ्री आएगा फिर फाइव फिर सेवन नाइन इस तरीके से करना है ये आपका सवाल हो गया देखिए इसने क्या बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ़ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कंजर्गेटिव नेचुरल नंबर्स हमें दिया हुआ है सेवनटीन का स्क्वायर हमें इसको कैसे दिखाना है एक्सप्रेस कैसे करना है सम ऑफ टू कंजेकेटिव नेचुरल नंबर्स सम मतलब प्लस ऑफ टू कंजेकेटिव नेचुरल नंबर्स मतलब कि इसको हमें इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि एंड में क्या होगा दो कंजेटिव नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे एक के बाद एक आने वाले उनको सम करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा देखो सेवनटीन का स्क्वायर होता कितना है वैसा करके देखो साइड में सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन का नाइन फोर होता है ठीक है कितना होता है टू एटी नाइन याद रखना टू एटी नाइन अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है आपको इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है देखिए ये है सेवनटीन का स्क्वायर तो इसको आप देखो ऐसे लिखोगे कैसे लिखोगे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पहले एक फॉर्मला लिखना है इस तरीके से आप लिखना एन स्क्वा ठीक है एन स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो आप एन स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो टू एन स्क्वायर ठीक है <coughs> देखिए कैसे देखिए कैसे करेंगे इसका एक फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो एन स्क्वायर को आप लिख सकते हो एन स्क्वायर माइनस वन अपन में टू ठीक है एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू बीच में प्लस एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टू ठीक है देखिए करके देखिए इसको करिए टू एलसी में आएगा एन स्क्वायर माइनस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन ऐसे हो गया वन से वन कट गया ठीक है तो कितना आ गया टू एन स्क्वायर आ गया अपॉन में टू आ गया टू से टू कट गया कितना बचा एन स्क्वायर बच गया तो एन स्क्वायर था एन स्क्वायर हम पहुंच गए तो एन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ठीक है आपको ये फॉर्मूला लिख लेना याद कर लो ये फार्मूला ठीक है ये फार्मूला आपको याद कर लेना है अब यहाँ पर क्या होगा देखिए अब ये सेवनटीन है ना तो लिखिए सेवनटीन का स्क्वायर एन की जगह लिखिए सेवनटीन इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस वन है में टू प्लस ये कितना है सेवनटीन है सेवेंटीन का भी स्क्वायर कर दीजिए प्लस वन है अब वन में टू ये समझ में आ गया अब देखिए क्या करना है क्या करोगे अब आप अब आप एक काम कीजिए सेवनटीन को सेवनटीन से क्या करेंगे पहले वो बाद में कर लेंगे पहले आप एक काम करेंगे देखिए सेवनटीन का स्क्वायर कर लीजिए चलिए सेवनटीन का स्क्वायर करिए कितना होगा अभी हमने किया था सेवन सेवन जब फोर्टी नाइन का नाइन फोर इलेवन ठीक है और ये सेवनटीन नाइन एट कितना हो गया टू एट नाइन माइनस वन अपॉन में टू यहाँ पर आइए प्लस है ये टू एट नाइन प्लस वन अपॉन में टू इस तरीके से आपको करना है ठीक है अब देखिए ये प्लस है बीच में कहीं आप कन्फ्यूज ना हो जाए टू एट नाइन माइनस वन है यहाँ पे ठीक है बीच में प्लस है अब देखिए पहले ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए ये कितना हो जाएगा टू एटी एट अपन में टू प्लस ये कितना हो जाएगा टू नाइन्टी अपॉन में टू अब इसको डिवाइड कीजिए इसको काटेंगे ऐसे कि तो कितना हो जाएगा टू वन ज़ा फोर ज़ा फोर ज़ा प्लस इसको काटिए टू वन ज़ा टू फोर ज़ा एट वन कैरी टेन बन गया टू फाइव ज़ा टेन तो हमारा कितना आ गया वन फोर फोर और वन फोर फाइव हमें क्या करना था हमें इसको एक्सप्रेस करना था सम टू कंजर्केटिव नेचुरल नंबर्स तो सेवनटीन का जो स्क्वायर है वो इन दोनों को प्लस करोगे ना तो इसके बराबर होगा तो कंजेकेटिव मतलब एक के बाद एक आने वाला नंबर ठीक है इन दोनों को प्लस कर लीजिए कितना होगा देखिए यहाँ पे वन फोर फोर वन फोर फाइव नाइन एट टू टू एट नाइन और सेवनटीन का स्क्वायर होता कितना है सेवनटीन का स्क्वायर होता है हमारा टू एट नाइन ठीक है जी तो आपका आंसर ये हो गया बस ठीक है ये आंसर हो गया आपका ये आपका आंसर हो गया तो ये वाला फार्मूला आपको याद कर लेना है इसका देखिए अब सेकेंड पार्ट वो कितना है मेरा ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर आपको फॉर्मूला क्या लिखना है आपको लिखना है एन स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो आप लिख सकते हो एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टू बीच में प्लस डालना है एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू ठीक है जी एन मेरा कितना है ट्वेंटी थ्री है मतलब ये इसको मैं इसमें ट्वेंटी थ्री मान रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टू प्लस ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया करो एन को आपने क्या लिया ट्वेंटी थ्री अब देखिए ट्वेंटी थ्री को ट्वेंटी थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से थ्री थ्री ज़र नाइन थ्री टू ज़ा सिक्स टू थ्री ज़रा सिक्स टू टू ज़ा फोर नाइन ट्वेल्व फाइव ट्वेंटी नाइन कितना हो गया मेरा फाइव ट्वेंटी नाइन रब कर देता हूँ तो लिखिए फाइव ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर प्लस वन अपॉइंट में टू प्लस फाइव ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू ये हो गया अब चलिए सॉरी फाइव ट्वेंटी नाइन होगा बस कितना होता है फाइव तो यहां पे लिखिए फाइव ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर कितना है फाइव टेंटी प्लस वन अपॉन में टू प्लस फाइव ट्वेंटी नाइन माइनस वन अपॉन में टू ठीक है जी तो कितना हो गया मेरा फाइव थर्टी हो गया अपॉन में टू प्लस मेरा कितना हो गया फाइव ट्वेंटी एट में टू इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए टू को डिवाइड इससे डिवाइड करो टू टू जो फोर वन कैरी तो थर्टीन हो गया टू सिक्स जो ट्वेल्व तो वन यहाँ पे जाएगा तो ज़ीरो टू फाइव प्लस ये कितना हो गया मेरा डिवाइड करो इसको टू टू ये जब ये टू सिक्सटी uh, फाइव आया है तो मेरा कितना आएगा ये करके देख लेते हैं टू टू ज़ा फोर यहाँ पे गया टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व ठीक है जी और ये टू फोर ज़ा एट तो टू सिक्स फाइव और टू सिक्स फोर हो गया मैं आपको ये बता रहा था वैसे जब आपने इसको सॉल्व करा तो टू सिक्सटी फाइव आया है तो पक्की बात है यहाँ पे टू सिक्सटी फोर आएगा क्योंकि ये तो यहाँ पे छोटा है ये पाँच सौ तीस था पाँच सौ अठाईस था छोटा है मगर आप डिवाइड करके देख लेना हो सकता है कि आप कुछ गलत करते हुए आ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा आंख बंद करके मत लिख देना ठीक है ये हमारा आंसर हो गया चलिए इसको रब कर देते हैं कितना मेरा थर्टी सेवन का स्क्वायर तो एन स्क्वायर क्या होता है एन स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस वन अपॉइंटमेंट टू प्लस एन स्क्वायर माइनस वन अपॉइन्टमेंट टू अच्छा एक बात आपको और बता दूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले आपको प्लस वाला लिखना है आप ये वाला भी पहले लिख सकते हो एन स्क्वेयर माइनस वन अपन में टू लिख सकते हो आप ये वाला भी पहले लिख सकते हो आप कोई सा भी पहले लिख सकते हो आपके नीचे दो कंसर्टिव नंबर सेम ही आएंगे अगर आपने ये वाला पहले लिखा है तो आपका पहले छोटा नंबर आएगा बाद में बड़ा नंबर आएगा ठीक है इस तरीके से आप लिखोगे तो भी सेम ही आएगा अच्छा अगर आपने ध्यान दिया हो कि इस पूरे क्वेश्चन में ना आपको जैसे क्वेश्चन नंबर एट है इसमें आपको सारे ऑड नंबर दिए थे पहला आपको दिया था सेवनटीन ऑड था सेकेंड डे ट्वेंटी थ्री वो भी ऑड था थर्ड इको थर्टी सेवन वो भी ऑड था ठीक है जी क्यों क्योंकि इसने बोला था कंजेकेटिव नेचुरल नंबर में हमें दिखाना है सम अगर ये इवन नंबर देता ना तो आपका डेसिमल नंबर आ जाता फिर आपका यहाँ पे जब डिवाइड करते ना एंड में तो पॉइंट में आंसर आते पॉइंट में फॉर एग्जाम्पल फिफ्टीन पॉइंट फाइव देन सिक्सटीन पॉइंट फाइव समथिंग लाइक दट इस तरीके से आता इसलिए इसने आपको ऑड नंबर दिए ताकि आप ईजिली कंजेकेटिव नेचुरल नंबर्स में आप निकाल सको काउंटिंग नंबर्स में आप निकाल सको डेसिमल नंबर की बात ही नहीं कर रही है ठीक है चलिए थर्टी सेवन का स्क्वायर कितना हो गया थर्टी सेवन का स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टू प्लस थर्टी सेवन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू ठीक है थर्टी सेवन और थर्टी सेवन ऐसे होता कितना है सेवन सेवन सा फोर्टी नाइन का नाइन फोर कैरी सेवन थ्री सा ट्वेंटी वन और फोर ट्वेंटी फाइव ठीक है थ्री सेवन सा ट्वेंटी वन का वन टू कैरी थ्री थ्री जो नाइन नाइन और टू इलेवन नाइन फाइव और वन सिक्स टू और वन थ्री वन थ्री सिक्स नाइन ठीक है याद रखना वन थ्री सिक्स नाइन चलिए वन थ्री सिक्स नाइन प्लस वन अपॉन में टू प्लस वन थ्री सिक्स नाइन माइनस वन अपॉन में टू करिए कितना हो जाएगा वन थ्री सेवन हो जाएगा अपॉन में टू है ही वन थ्री सिक्स एट हो जाएगा अपॉन में टू है डिवाइड कीजिए टू सिक्स ज ट्वेल्व वन बचा सेवनटीन हो गया टू एट ज़र सिक्सटीन वन बचा जीरो हो गया टू फाइव ज़ा जब यहाँ पे सिक्स एटी फाइव आएगा यहाँ पे हंड्रेड परसेंट सिक्स फोर आएगा करके देख लेना ठीक है करके देख लो एक बार फिर भी टू सिक्स जो ट्वेल्व ठीक है तो बचा हमारा वन तो सिक्सटी हो गया टू एट सिक्सटीन टू फोर ज़ा ये हो गया यहाँ पे कितना है थर्टी सेवन का स्क्वायर तो मेरा ये क्या हो गया ये मेरा हो गया आंसर ठीक है जी चलिए क्वेश्चन नंबर एट में देखिए क्वेश्चन नाइन का फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपको दिया हुआ है इसमें कि हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाए बिटवीन दी स्क्वायर्स ऑफ दी फॉलोइंग नंबर्स ये दो नंबर हैं फॉर एग्जांपल इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाए करते हैं फॉर एग्जांपल इनका स्क्वायर करने के बाद इलेवन का स्क्वायर कितना होता है वन ट्वेंटी का कितना होता है वन तो इसके बीच में जो नंबर्स हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है तो ऐसे कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स इन दोनों के बीच में हमें मिलेंगे इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद तो एक तरीका तो ये कि आपने सिंपल तरीके से करा उसके बाद नीचे कैलकुलेट कर दीजिए अच्छा ये होगा ये होगा ये होगा मगर हमें ऐसे नहीं करना इसके है इसका एक फॉर्मूला सीखिए जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन आएगा और आपसे पूछा जाएगा हाउ मैनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन दी स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स तो आपको नंबर कैसे दिए जाएंगे ग्यारह बारह तेरह चौदह ठीक है उन्नीस बीस पच्चीस छब्बीस इस तरीके के नंबर दिए जाएंगे जैसे आप क्वेश्चन नंबर नाइन में देख लीजिए ग्यारह बारह सेकेंड है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट थर्ड है वन जीरो वन वन जीरो टू ठीक है तो ऐसे नंबर आपको दिए जाएंगे तो देखिए आपको क्या करना है आप बोलोगे देयर आर टू एन ये आपको लिखना पड़ेगा ये स्टेटमेंट है आप इस सिंपल सी स्टेटमेंट लिख देंगे देयर आर टू एन नॉन परफेक्ट स्क्वेयर्स सॉरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन स्क्वेयर ऑफ द नंबर्स एन 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 प्लस वन ये एक स्टेटमेंट लिख देना याद कर लो देयर आर टू एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स एन एंड एन प्लस वन आप याद करेंगे तो आपका बेनिफिट ये है कि बड़ी क्लास में जाएंगे ना आपको याद रहेगी याद कर लिया करो अगर आप याद कर सकते हो ये याद कर लिया तो जो भी छोटा नंबर होता है उसको एन मानते हैं इस तरीके के पहले क्वेश्चन भी हमने किए थे एन वाले जो छोटा होता है एन तो हम बोलेंगे तो क्या आप हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे हियर एन हमारा हो जाएगा ग्यारह ठीक है जी एंड एन प्लस वन कितना जाएगा एन मेरा कितना है ग्यारह तो लिखिए ग्यारह प्लस वन इक्वल्स टू बारह ठीक है इस तरीके से आप लिखेंगे समझ में आ गया आपको कैसे लिखना है आपको इस तरीके से लिखना है सो so, इन दोनों के बीच में कितने होंगे टू एन होंगे तो हम लिखेंगे टू एन कितना हो जाएगा हमारा टू मल्टीप्लाई एन कितना है मेरा एन मेरा कितना ग्यारह इक्वल्स टू तो कितना आ गया ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू आ गया तो लिख दीजिए हैंस देयर ट्वेंटी टू नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स देर आर देर आर ट्वेंटी टू नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ठीक है बस इतना छोड़ दीजिए पूरा लिखना चाहो तो बता देता हूँ क्वेश्चन में सही है हैंज देर आर ट्वेंटी टू नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ दी नंबर्स इलेवन एंड ट्वेल्व बस सिंपल आप इतना लिख दोगे तो भी आपका सही है कोई दिक्कत की बात नहीं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ये वाली लाइन तो मैं लिखनी पड़ेगी बार बार तो इसको मैं रब नहीं करूँगा ठीक है मैं बाकी सारा रब कर देता हूँ इसको रब कर देता हूँ मैं ठीक है इसको उन्हें रब कर दिया ठीक है जी अब हमारा इसको रब कर देता हूँ मैं चलिए सेकेंड पार्ट मेरा क्या है सत्ताईस और अट्ठाईस ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी पहले मैं क्या लिखूंगा देयर आर टू एंड नॉन प्रॉ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स एन एंड एन वन तो यहाँ पे हेयर यहाँ पे एन कितना है मेरा छोटा नंबर गया सत्ताईस एंड एन प्लस वन मेरा कितना हो जाएगा सत्ताईस प्लस वन इक्वल्स टू अट्ठाईस ठीक है तो कितने नंबर होते हैं टू एन होते हैं तो हम लिखेंगे टू एन इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाई एन कितना मेरा ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई कर तो टू सेवन जैसे फोर्टीन का फोर वन कैरी टू टू जब फोर और फाइव फिफ्टी फोर आप लिखोगे हैंस हैं फिफ्टी फोर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ठीक है जी ये हो इतना हो गया आपका सॉल्व सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा चलिए थर्ड करते हैं इसको रब कर देता हूँ इसको रब कर देता हूँ इसको रब कर देता हूँ ठीक है जी और इसको रहने देते हैं और इसको रब कर देते हैं चलिए थर्ड देखिए वन जीरो वन एंड वन ज़ीरो टू वन ज़ीरो वन एंड वन ज़ीरो टू सबसे पहले क्या लिखोगे आप देयर आर टू एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ दी नंबर्स एन एंड एन प्लस वन रट लो इसको ठीक है उसके बाद हियर एन कितना हो जाएगा हमारा छोटा नंबर एन मतलब छोटा नंबर वन जीरो वन एंड एन प्लस वन कितना हो जाएगा मेरा एन मेरा कितना है वन ज़ीरो वन है उसमें वन प्लस कर देंगे हो गया हमारा वन जीरो टू ठीक है उसका लिखेंगे हम टू एन मतलब टू एन लिखेंगे टू मल्टीप्लाई एन कितना है वन जीरो वन। टू वनजा टू जीरो का जीरो टू वनजा टू ये आगे मेरा देयर आर टू जीरो टू नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ठीक है जी सॉल्व हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर नाइन पूरा चलिए अब इसको पूरा रब कर देते हैं कितना सिंपल था ठीक है ना चलिए रब कर देते हैं तो बस आपको ये याद कर लेना देर आर टू एंड नॉन स्क्वायर नंबर अच्छा तभी होगा जब ऐसा होगा अगर आपको ऐसा दे दिया ना ऐसा वन ज़ीरो वन एंड वन ज़ीरो थ्री उसमें ये काम नहीं करेगा ये काम किस में करेगा ये काम करेगा, ये काम करेगा वन जीरो वन और वन ज़ीरो टू में नाइन्टी नाइन में हंड्रेड में एट्टी नाइन में नाइन्टी में मतलब

स्क्र माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल्स टू फोर प्लस थ्री अच्छा एक और दिया हुआ है फाइव स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव प्लस फोर का है कि इस पैटर्न को आप ऑब्जर्व करो ये वन है ठीक है इस पैटर्न को आप ऑब्जर्व करो ऑब्जर्व करने के बाद उसने बोला फाइंड दी वैल्यू पहला हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वन थ्री सिक्स का स्क्वायर माइनस वन थ्री फाइव का स्क्वायर देखो तो इसको ऑब्जर्व करके आपको क्या समझ में आ रहा है देखो पहला नंबर बड़ा है फिर छोटा दो वन तीन दो चार तीन पाँच चार और सबका स्क्वायर है तो किसके बराबर आ रहा है टू प्लस वन मतलब माइनस का प्लस आ गया स्क्वायर हट गया और टू प्लस वन थ्री प्लस टू फोर प्लस थ्री तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा वन थर्टी सिक्स प्लस वन थर्टी फाइव दोनों तो को प्लस कर दीजिए ठीक है आंसर आ जाएगा इसका देखिए प्लस कर देते हैं इसको छः सिक्स और फाइव इलेवन का वन वन कैरी थ्री थ्री सिक्स और वन सेवन वन और वन टू 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 सेवनटी वन बस आपको पैटर्न दिया था आपने उसको ऑब्जर्व किया आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये चलिए सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं इसका अब वाला क्वेश्चन तो आप खुद ही कर देंगे नाइन्टी एट का स्क्वायर माइनस नाइन्टी सेवन का स्क्वायर तो ये पे सारा पैटर्न ऐसा ही है तो क्या हो जाएगा नाइन्टी एट प्लस नाइन्टी सेवन प्लस कर लीजिए दोनों को ठीक है जी सात और आठ फिफ्टीन का फाइव वन कैरी नहीं नाइन और नाइन एटीन और वन नाइनटीन वन नाइन्टी फाइव हो गया वन नाइन्टी फाइव ठीक है चलिए थर्ड करते हैं इसका वन टू वन का स्क्वायर माइनस वन टू ज़ीरो का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी वन प्लस वन ट्वेंटी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा टू फोर वन ठीक है जी करके देख लीजिए यहाँ पे सिंपल है वन फोर टू टू फोर वन हो गया हमारा ठीक है ना टू फोर्टी वन हो गया हमारा चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन टेंथ हो गया सॉल्व इसको अप कर देते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन में दिया गया है राइट आ पाइथागोरियन ट्रिपलेट ठीक है जी आप ये सीखिए काफ़ी सिंपल ये आपका चैप्टर है बस आपको थोड़ा सा समझना है ठीक है हमें पायथा गोरियन ट्रिपलेट हमें मतलब राइट करना है जैसे फॉर एग्जांपल हमें सबसे छोटा नंबर दिया हुआ है हमें सिक्सटीन 16. सिक्सटीन 16 क्या है सिक्सटीन इज़ स्मॉलेस्ट नंबर मतलब ये पायथा गोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है पहले ये देख लीजिए पहले आप कैसे लिखोगे आप लिखोगे सबसे पहले पाइथा गोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज क्या होता है हमारा एक होता है हमारा टू एम एक होता है हमारा एम स्क्वायर माइनस वन और हमारा एक होता है एम स्क्वायर प्लस वन ये याद कर लीजिए जब भी आपसे बोला जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको बनाना है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे तीन होते हैं टू एम एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन फिर आपको क्या करना है जो नंबर आपको दिया होगा उसको आप मानेंगे टू एम आप क्या बोलोगे आप बोलोगे लेट से टू एम इक्वल्स टू सिक्सटीन ठीक है तो ये हो गया टू एम जीरो सिक्सटीन तो एम निकाल देना है एम कितना होगा एम हो जाएगा हमारा सिक्सटीन ये टू बॉर्डर पार करके डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि टू इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड हो जाएगा कितना हो जाएगा एट हो जाएगा तो मेरा एम कितना आ गया एट ठीक है तो मेरा एम आ गया एट अब मुझे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना था तो टू एम तो मेरा सिक्सटीन हो गया और एम मेरा कितना है एट हो गया आपको एम क्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि आम एम क्यू नू डालनी पड़ेगी तो फिर मेरा एम स्क्वायर माइनस वन कितना हो जाएगा देखिए एट का स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू तो सिक्सटी फोर माइनस वन तो इक्वल्स टू सिक्सटी थ्री और मेरा ये कितना हो जाएगा एम तो स्क्वायर प्लस वन एम स्क्वायर प्लस वन तो टू एट का स्क्वायर प्लस वन तो इक्वल्स टू सिक्सटी फोर प्लस वन इक्वल्स टू सिक्सटी फाइव ठीक है जी तो मेरा एक देखो ये हो गया एक ये हो गया एक मेरा ये हो गया तो मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल दिया आपको क्या याद करना है दोबारा से पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पास तो सबसे पहले आपको क्या करना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये होता है ये लिख लेना उसके बाद वो जो जो नंबर दिया होगा उसी को टू एम मानना है ठीक है जो नंबर दिया होगा उसको क्या मानना है टू एम मानना है तो पहला ये निकल गया फिर एम निकाल लोगे यहाँ से फिर दूसरा निकल जाएगा तीसरा निकल जाएगा ठीक है चलिए रफ करते हैं अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं उसके लिए मैं रफ नहीं करूँगा देखिए सेकेंड मेरा क्या है सेकेंड है मेरा फोर्टीन ठीक है तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्टीन सेकंड कितना है मेरा वन फोर सबसे पहले मुझे क्या करना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज़ ये ठीक है जी तो मैं बोलूँगा लेट से अगेन टू एम इक्ल्स टू फोर्टीन तो मेरा पहला तो यही हो गया ठीक है तो यहाँ से मुझे एम निकालना पड़ेगा एम इक्ल्स टू फोर्टीन बाई टू डिवाइड हो जाएगा हो जाएगा हमारा सेवन ठीक है अब मेरा एम स्क्वायर माइनस वन कितना हो जाएगा एम कितना मेरा सेवन सेवन का स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू फोर्टी नाइन माइनस वन इक्वल्स टू फोर्टी एट और मेरा एम स्क्वायर प्लस वन कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा सेवन का स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू फोर्टी नाइन प्लस वन इक्वल्स टू फिफ्टी आ गया मेरा एक ये हो गया एक ये हो गया एक ये हो गया ठीक है चलिए थर्ड करते हैं इसका इसको रब कर देते हैं ये मैंने रब कर दिया और मैं इसको भी रब कर देता हूँ थर्ड में मेरा क्या है ट्वेंटी है तो लिखिए ट्वेंटी तो देखिए आप क्या करेंगे लेट से टू एम इक्ल्स टू ट्वेंटी पहला तो मेरा ये हो गया सो एम इक्ल्स टू ट्वेंटी बाई टू कितना हो गया टेन हो गया सो एम स्क्वायर माइनस वन कितना हो गया मेरा टेन का स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू हंड्रेड माइनस वन इक्वल्स टू नाइन्टी नाइन सेकेंड मेरा ये हो गया एम स्क्वायर प्लस वन मेरा कितना हो गया ये हो गया मेरा टेन स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू हंड्रेड प्लस वन इक्वल्स टू वन जीरो वन एक ही हो गया एंड में आप लिख के आ जाना क्या लिखोगे ये वाली स्टेटमेंट आप लिखोगे पाइथा गोरियन ट्रिपलेट ठीक है एज क्या हो जाएगा टू एम मतलब ये ट्वेंटी देन नाइन्टी नाइन एंड देन वन जीरो वन ठीक है जी ये आपका क्वेश्चन हो गया एलेवन सॉल्व ये वाली लाइन आपको लिख के आनी है फर्स्ट में भी सेकंड में भी थर्ड में मैंने लिख के दिखा दी फर्स्ट और सेकंड में मैंने लिख के नहीं दिखाई थी लेकिन ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये एज इट इज़ जैसे मैंने थर्ड पार्ट किया है इसी तरीके से आपको फर्स्ट पार्ट करना है और इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जिसमें इसमें बड़ा इवेल्युट करो क्या करो इवेलुएट करो फर्स्ट पार्ट हमें दिया हो गया है इसका टू बाय नाइन का स्क्वायर देखो कितना सिंपल है बस दो बार लिख दो इसको टू बाय नाइन मल्टीप्लाई टू बाय नाइन सॉल्व कर दो टू टू जा फोर नाइन नाइन एट्टी वन आंसर आ गया सेकंड पार्ट देखिए इसका माइनस सेवन अपॉन में थर्टीन का स्क्वायर ठीक है जी सो so, माइनस सेवन अपॉन में थर्टीन एक बार मल्टीप्लाई माइनस सेवन अपॉन में थर्टीन एक बार दो पावर है इसकी तो दो बार लिख दिया तीन होती तीन बार लिख देते तो सेवन सेवन सा कितना होता है फोर्टी नाइन होता है माइनस माइनस कुछ जब दो बार मल्टीप्लाई करते हैं प्लस बन जाता है तो प्लस का हो गया थर्टीन थर्टी जहाँ होता है हमारा वन सिक्सटी नाइन ठीक है जी ये हमारा आंसर आ गया ठीक है तो इसका कर देता अच्छा नहीं रहा चलिए थर्ड देखिए थर्ड में क्या है ट्वेंटी वन और थर्टी वन है सो माइनस ट्वेंटी वन अपॉन में थर्टी वन इसका क्या है स्क्वायर सो माइनस ट्वेंटी वन अपॉन में थर्टी वन मल्टीप्लाई माइनस ट्वेंटी वन अपॉन में थर्टी वन तो ट्वेंटी वन को ट्वेंटी वन से कर लेते हैं कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन टू वन जा टू 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 फोर सो कितना हो गया फोर फोर वन तो लिख दीजिए फोर फोर वन माइनस माइनस दो बार करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस और थर्टी वन को थर्टी वन से कर ले कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा थर्टी वन मल्टीप्लाई नाइन तो हो जाएगा नाइन सिक्स वन नाइन सिक्स वन ठीक है जी तो ये मेरा क्या हो गया ये मेरा सॉल्व हो गया तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर जो ट्वेल्थ था वो कंप्लीट हो गया चलिए रब कर देते हैं चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए जी क्वेश्चन नंबर थर्टीन में क्या क्या यूज यूजिंग द आइडेंटिटी हमें इवेल्यूएट करना है हमें किसको को इवेल्यूएट करना है वन वन टू का स्क्वायर हमें इसको इवेल्यूएट करना है हमें एक आइडेंटिटी इसने दी हुई है इसमें कि हमें इसको यूज़ करना है ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इस आइडेंटिटी को हमें यूज़ करना है देखिए कैसे करेंगे ये है ना पहले इसको हम ऐसा बनाएंगे कैसे बनाएंगे जैसे 112 है वन वन जीरो प्लस टू ऐसे लिख सकते हो इसको इसको आप लिख सकते हो वन जीरो ज़ीरो प्लस बारह इसको लिख सकते हो ऐसे और कैसे लिख सकते हो वन 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 प्लस वन ऐसे लिख सकते हो और कैसे लिख सकते हो बहुत सारे तरीक़े हैं मतलब कि आपको कुछ भी करके ऐसा लिखना है कि अंदर प्लस करें एक आ जाए लेकिन आपको लिखना कैसे है आप ये वाला पिक करना इससे आंसर आ जाएगा इससे आ जाएगा सबसे आ जाएगा लेकिन अब ये वाला पिक करना ऐसा क्यों सर वो इसलिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगी तो आपको कौन सा पिक करना है आपको थोड़ा ऐसा बनाना है मतलब 100 बनाना पड़ेगा ठीक है जैसे आपको दे दिया 254 तो ट्राई करना है इसको आप 200 बना लो 200 हंड्रेड प्लस फिफ्टी मतलब जितने ज़्यादा मतलब जितना जैसे आप 100 बना सकते हो 200 बना सकते हो 300 बना सकते हो या 50 बना सकते हो 10 बना सकते हो 20 बना सकते हो तो ऐसे नंबर बनाना रादर दैन ऐसे ऐसे नहीं बनाना ऐसे बनाना ठीक है देखो ऐसे भी बना सकते थे ऐसे भी बना सकते थे दोनों में से कौन सा इजी लग रहा है ये वाला इजी लग रहा है क्यों क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इसलिए आप कोशिश करना कि आप जीरो वाला बनाओ ठीक है तो देखो मैं कैसे करूँगा आंसर सेम आएगा कैसे भी बनाओ लेकिन कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैं इसको लिखूँगा इसको मैं कैसे लिखूँगा हंड्रेड प्लस बारह का स्क्वायर लिख दिया अब मैं लिखूँगा ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है ए स्क्वायर लिखो बाद में फिर प्लस टू ए बी लिख लो या बी लिख लो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो मैं ऐसे लिखना पसंद करता हूँ याद करने में ईजी लगता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी ठीक है तो मैंने ऐसे लिख लिया अब मैं लिखूँगा यहाँ पे हंड्रेड प्लस ट्वेल्व का स्क्वायर को कैसे लिखूँगा मतलब हंड्रेड का स्क्वायर ठीक है प्लस बी मतलब बारह बारह का स्क्वायर प्लस टू ए मतलब हंड्रेड और बी मतलब बारह समझ में आ गया ए मतलब मतलब देखो ये ए हो गया और ये मेरा बारह मेरा बी हो गया ठीक है इस तरीके से हम कर रहे हैं ये मेरा ए हो गया ये मेरा ए हो गया ठीक है अब देखिए हंड्रेड को दो बार करेंगे तो कितना हो जाएगा चार जीरो आ जाएंगे आगे चार जीरो ट्वेल्थ ट्वेल्थ कितना होता है वन फोर फोर होता है प्लस अभी देखो बारह दो नहीं चौबीस चौबीस को इससे कर दो चौबीस जीरो जीरो अब इसको आप प्लस कर लीजिए देखो एक दो तीन चार और टू फोर ज़ीरो जीरो वन फोर 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 फाइव टू वन वन टू फाइव फोर फोर आपका आंसर आ गया ठीक है कितना सिंपल हो गया वन टू फाइव फोर फोर ये आपका आंसर हो गया रब कर देते हैं इसको क्वेश्चन नंबर फोटीन इसमें अभी आपको एक आइडेंटिटी दी हुई है उसमें माइनस है बीच में ऊपर वाली में क्या था प्लस था तो ये किसी बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्र ऐसे लिखो ठीक है अभी जैसे क्वेश्चन में दी गई है मैं पहले वैसे लिख रहा हूँ इसने क्वेश्चन में ऐसे दी है दिए तो इसको यूज़ करके सॉल्व करना है मैं किसको सिक्स नाइन नाइन का स्क्वायर इसको सॉल्व करना है तो सिक्स नाइन नाइन को पहले मैं कैसे लिख सकता हूँ देखो मैंने आपको सिखाया था इसको आप कैसे लिखोगे क्योंकि माइनस वाला है बीच में तो सात सौ लिखो सात सौ माइनस एक ज़ीरो वाले पे बनाने पड़ते हैं सौ दो सौ तीन सौ चार सौ पाँच सौ छः सौ सात सौ इसको मैं और कैसे लिख सकता था मैं चाहता मैं इसको ऐसे लिख सकता था ऐसे भी कर सकता था मैं सेवन जीरो वन माइनस टू तभी देखो यही बनेगा लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगी कैलकुलेशन ठीक है ऐसे लिख लिया उसके बाद आप क्या लिखोगे उसके बाद आप यहाँ पर ये यह लिख दो देखो सेवन जीरो जीरो माइनस वन का स्क्वायर है ना डायरेक्ट करो ये ए होता है ये बी होता है मैं समझाने के लिए बना देता हूँ ये ए होता है और ये वाला बी होता है ठीक है समझाने के लिए आप चाहो तो ऐसे मार्क करके आ सकते हो एग्जाम में कोई दिक्कत की बात नहीं है मार्क नहीं करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि दिखेगा क्लीन नीट एंड क्लीन देखिए तो क्या होता है ए स्क्वायर ठीक है तो ए स्क्वायर मतलब सेवन का स्क्वायर तो जैसे आइडेंटिटी ये थी ना जैसे सुनो ए प्लस बी इसका स्क्वायर को मैं ऐसे लिखना पसंद करता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और ए माइनस बी को मैं ऐसे लिखना पसंद करता हूँ ए स्क्वायर माइ प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ठीक है तो मैं ऐसे लिखना पसंद करता हूँ इसलिए मैं ऐसे ही करूँगा आप चाहो तो आप ऐसे ही कर सकते हो जो पहले है वो आप पहले ले सकते हो ऐसे लिखोगे तो ऐसे लिख दो कोई मिस्टेक नहीं है कोई गलत नहीं कर सकता ठीक है तो ये हो गया तो इसको मैं कैसे लिखूँगा ये हो गया अभी चलो जैसे इसने एग्ज़ाम में दिया हुआ है मैं ऐसे ही कर देता हूँ जैसे इसने दिया हुआ है ठीक है सॉरी जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ माइनस है माइनस टू ए कितना मेरा ए मेरा है सात सौ और बी मेरा कितना है बी ए मेरा वन वन प्लस बी मतलब वन वन का स्क्वायर अब यहाँ पे ब्रैकेट में आप ये लिख देना ऐसे ब्रैकेट बना के यूजिंग आइडेंटिटी ठीक है ये वाले आपने आइडेंटिटी यूज की है ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी आप ये लिख सकते हो ठीक है ये हो गया नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला ही गया है कि इसको यूज़ करके आपको लिखना है ठीक है लेकिन प्रॉपर आप ऐसे लिख के आ सकते हो ठीक है इसके आगे देखिए कैसे करोगे सात सौ का स्क्वायर करो तो सेवन तो सेवन ज़ा फोर्टीन नाइन और चार जीरो कैसे करा सर ये देखो सेवन सेवन ज फोटी नाइन एक दो तीन चार एक दो तीन चार ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है ठीक है जी अब ये देखिए कितना ये सात दो नहीं सेवन टू और दो ज़ीरो प्लस ये कितना है वन अब पहले इसको वन को प्लस कर लेते हैं फोर नाइन एक दो तीन चार इसमें वन को प्लस करना है ऐसे तो जीरो की जगह यहाँ पे वन आ जाएगा ठीक है जी अब माइनस कर लेते हैं वन सॉरी वन फोर जीरो जीरो ये माइनस कर लेते हैं इसको माइनस तो देखिए ये आ गया वन जीरो में से जीरो का जीरो कैरी लिया तो टेन में से फोर गए सिक्स नाइन में से वन गए एट यहाँ पे नाइन से कैरी लिया तो यहाँ पे बच्चा तो हमारा एट तो फोर एट एट सिक्स जीरो वन आ गया हमारा आंसर फोर एट एट सिक्स ज़ीरो वन ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इसमें हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है इसने बोला है एक आइडेंटिटी को यूज़ करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी ये सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए कि क्योंकि एग्ज़ाम में क्या करते हैं अभी तो आपको ऐसे दे रहे हैं मतलब बाकी याद में आपको बस क्वेश्चन दे देंगे और आपको बोलेंगे सॉल्व करके दिखाइए ये वाली आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा एक ही बात है ठीक है कभी ये दे देंगे और बोलेंगे ऐसा बनाओ कभी ये दे देंगे बोलेंगे ऐसा बनाओ ठीक है जी तो आपको डरना नहीं है अब देखिए आप क्या करेंगे ये आइडेंटी यूज़ करनी है ना हमें हम कैसे इसको यूज़ करेंगे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फोर्टी नाइन मल्टीप्लाई फिफ्टी वन फोर्टी नाइन मल्टीप्लाई फिफ्टी पर इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई तो फोटी नाइन को मुझे कैसे लिखना है और ये फिफ्टी वन हो गया समझ में आ गया आपको फोर्टी नाइन मल्टीप्लाई फिफ्टी पर देखिए जी इसको हम कैसे करेंगे ये फोर्टी नाइन है ना और ये मेरा क्या है ये मेरा फिफ्टी वन है ठीक है तो एक काम कीजिए फोर्टी नाइन को आप कैसे लिखोगे फोर्टी नाइन को आप लिखोगे फिफ्टी फिफ्टी लिखोगे माइनस वन ऐसे लिख लो और इसको क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो आप फिफ्टी प्लस वन लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो अब ध्यान दीजिए ये और ये सेम है मतलब यहाँ पे ये और ये सेम है ये और ये सेम है यहाँ पे ये और ये सेम है ठीक है यहाँ पे माइनस का है यहाँ पे प्लस का है ऊपर यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का है उससे कोई मतलब नहीं है हम क्या करते हैं हम ऐसे लिखो ऐसे लिखो एक ही बात है देखो टू मल्टीप्लाई थ्री भी सिक्स होता है और थ्री मल्टीप्लाई टू भी सिक्स होता है तो ये अगर ऐसे बनता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पहले तो प्लस वाला आया है उससे कोई मतलब नहीं है बस आपको क्या ध्यान देना है ये ए और ये ये वाला ए और ये वाला ए मतलब सेम है तो मतलब ये पचास तो यहाँ पे पचास होना चाहिए यहाँ पे वन है मतलब बी है तो यहाँ पे बी है तो यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन होना चाहिए अगर यहाँ पे टू है तो यहाँ पर भी टू होना चाहिए था इस तरीके से बनाना है तो मैंने आपको बताया था आप ट्राई करना टेन बनाओ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फोटी नाइन को आप क्या बनाओगे फिफ्टी माइनस वन बनाओगे क्यों बहुत ईजी हो जाती है कैलकुलेशन ठीक है अब देखें हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए ये हो गया तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ फिफ्टी माइनस वन ठीक है मल्टीप्लाई है ना और फिफ्टी प्लस वन ऐसे बी जो मल्टीप्लाई लगाने लगा वो आपकी मर्ज़ी है ठीक है इसको यहाँ से हटा देता हूँ ऐसे लिख दिया मैंने ठीक है अब ये देखो ऐसा हो गया तो ये किसके बराबर हो जाएगा ये मेरे बराबर हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ई कैमेरा फिफ्टी है इसका स्क्वायर हो गया माइनस बी मेरा वन है वन का स्क्वायर हो गया ठीक है अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे फिफ्टी को दो बार करेंगे देखो फिफ्टी मल्टीप्लाई फिफ्टी करेंगे फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव दो जीरो तो लगाइए टू फाइव जीरो ज़ीरो माइनस है माइनस लगाइए वन को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो वन ही आता है ठीक है जी ये हो गया अब क्या करेंगे बाप? अब आप अब आप देखिए टू फाइव जीरो जीरो में से आप वन को माइनस कर देंगे जीरो में से मतलब टेन में से वन के बचे हमारे नाइन यहाँ बचे नाइन फोर टू टू फोर नाइन नाइन ये आपका क्या आ गया ये आपका आंसर आ गया तो लिख देते हैं यहाँ पे हम टू फोर नाइन नाइन ये क्या हो गया हमारा ये हमारा हो गया आंसर तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट चलिए